लोग श्याम रीप के अंगकोर वाट परिसर में आ गए हैं। ये टिकट घर है, एक दिन का फुल डे का मंदिर परिसर का टिकट $37 एक आदमी का है। वैसे बाई वन गेट वन फ्री है, तो अगर एक दिन का हम लेते हैं 2 दिन मिलेगा। और ये देखिए ये टिकट है, और ये हमने पहली बार देखा, इसमें फ़ोटो भी हमारी है, इन्होंने पहले फ़ोटो खींचा और फिर टिकट जारी किया। बड़ा अच्छा सिस्टम लगा। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के उस हिंदू मंदिर में लेकर चल रहे हैं जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। यह विष्णु भगवान का मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः यहाँ शिव मंदिरों का निर्माण किया था। मंदिर के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म कभी यहाँ पर अपने चरम उत्कर्ष पर रहा होगा। You know हिंदी? बोलो नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम इस समय कंबोडिया के सियाम रीप के अंगकोर वाट परिसर में आ गए हैं। $37 का हमने टिकट लिया है, जो 2 दिन तक वैलिड रहेगा। इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। यह लगभग 414 एकड़ में फैला हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के तमाम चित्रों का वर्णन अंदर आपको देखने को मिलेगा। अप्सराओं, सुंदर अप्सराओं को भी दिखाया गया है। यह मेकांग नदी के किनारे स्थित है तथा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। $37 का हमारा टिकट है, 2 दिन तक वैलिड रहेगा। 13 मंदिर हैं, एक दिन में ये नहीं पूरा किया जा सकता है, इसलिए हम 2 दिन में इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ चारों तरफ जगह जगह प्री वेडिंग शूट्स चल रहे हैं, शूटिंग, और कहीं कहीं तो उधर आगे हमें जो दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। प्रवेश द्वार से निकल करके हम लोग अब कोर्ट यार्ड, जो बहुत बड़ा सा है, सामने वो मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही विशाल मंदिर है, देख के तबीयत खुश हो गई है। इतना बड़ा पत्थर है भाई। ये देखिए लगातार सफाई, जो पानी इकट्ठा हो गया है वो भी चल रहा है। मंदिर परिसर का रख रखाव बहुत अच्छा है। हाउ आर यू? फाइन। यू आर क्लीनिंग दिस एट एवरी मिनट? ओके ओके। ये मुख्य मंदिर परिसर संभवतः आ गए हैं, अभी पूछना पड़ेगा हमको। ये आ गए हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत 1000 वर्ष पुराना मंदिर, आज भी कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि यूनेस्को धरोहर स्थल है ये। बहुत भव्य मंदिर, भव्य मंदिर परिसर। मीलों दूर से हम चले आ रहे हैं। दोस्तों, यह अंगकोर क्षेत्र है जो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग आज 27 मंदिर काफ़ी अच्छी अवस्था में देखने लायक हैं। ये सारे मंदिर
12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। कभी प्राचीन काल में कंबोज प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला यह प्रदेश पहले कंपुचिया और अब कंबोडिया के नाम से प्रसिद्ध है। पूरी तरह से हिंदू आबादी वाला यह देश बुद्धिस्ट बन गया, पर आज भी लगभग सभी मंदिरों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मौजूदगी आपको यहाँ हिंदू धर्म का एहसास कराती है। इस विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने जरूर प्रारंभ किया, परंतु उनके भांजे व उत्तराधिकारी धर्मेंद्र वर्मन के शासनकाल में यह पूरा हुआ। बीच वाला शिखर 64 मीटर तथा अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए लगभग 700 फीट चौड़ी खाई चारों तरफ बनवाई गई थी। दूर से देखने पर यह खाई झील की तरह दिखती है। मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशेष विशाल द्वार है जो लगभग 1000 फीट चौड़ा है। अंगकोर वाट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ हैं तथा यह विष्णु भगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया के मेकांग नदी के किनारे सियाम रीप शहर में स्थापित इस मंदिर के प्रति वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है। यही वजह है कि इस मंदिर को राष्ट्र के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है और इसे कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें से ज़्यादातर के सिर कटे हुए हैं। यह आपको बैंकॉक के म्यूजियम में मिलेंगे। अप्सराओं का इतना बढ़िया चित्रण और प्रदर्शन कहीं और देखने को नहीं मिला है। इस समय हम अंकोर वाट के जिस परिसर में मौजूद हैं, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। और अभी आपने सुना, गाइड ने बताया कि इंडिया की तरह यहाँ हिंदुइज्म नहीं है। यहाँ के लोग दो दिन हिंदू रहते हैं, दो दिन बुद्धिस्ट हो जाते हैं। और ये विष्णु का मंदिर है, लेकिन यहाँ आप बुद्ध की मूर्तियाँ भी पाएंगे। अप्सराओं की हैं, 1800 अप्सराएँ थीं इस मंदिर में। इसका ये भी बताना है कि तमाम जो है जो मूर्तियाँ हैं उनके हेड्स गायब हो गए हैं। हेड्स इसलिए गायब हो गए हैं कि उसको ले करके, और थाईलैंड जब आप जाएंगे तो बैंकॉक के म्यूजियम में आपको मिलेगा। और इसने ये भी बताया कि मेरी वाइफ जो है वो हिंदू धर्म को मानती है। तो बड़ा अजीब सा माहौल है। ऑफिशियली यहाँ हिंदू पॉपुलेशन नहीं है आज के डेट में, लेकिन जो आम पब्लिक है वो हिंदू धर्म को ज़्यादा मानती है। यह मंदिर सनातन संस्कृति का साक्ष्य है। इसकी दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का अद्भुत चित्रण है। आप यहाँ अप्सराओं का सुंदर चित्र देख सकते हैं। यहाँ तक कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के दृश्य को भी बड़े ही सुंदरता से उकेरा गया है। इस विशाल मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं मूर्तियों में दर्शाई गई हैं। ऐसा लगता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलि, वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देवदाना युद्ध, महाभारत, हरि वंश पुराण तथा रामायण से संबंधित अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित रामकथा बहुत संक्षिप्त है। इस मंदिर का जुड़ाव भारतीय संस्कृति से है, इसीलिए कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही दिन में अलौकिक शक्तियों के माध्यम से बना था। दोस्तों, हम अंगकोर धाम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 5 द्वार, उत्तर द्वार, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिम और विजय द्वार हैं। इसमें हम साउथ गेट पर मौजूद हैं, जहां आपको पौराणिक प्राणियों की पत्थर की आकृतियां पंक्तिबद्ध दिखाई दे रही हैं। इस द्वार पर एक 23 मीटर ऊंची एक भव्य प्रवेश मीनार है, जिसके माध्यम से आप अंगकोर धाम में प्रवेश करते हैं। अंगकोर धाम एक वर्ग की तरह है, जिसकी एक भुजा 3 किलोमीटर है। इसमें हम
अब दूसरे मंदिर अंगकोर थम के सामने खड़े हैं। ये जया बर्मन सेवेंस द्वारा बनाया गया था। ये अंतिम मंदिर था और ये 12वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ये अंतिम हिंदू मंदिर इसको बोलते हैं। अंगकोर वाट से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। अंगकोर थम के भीतर उल्लेखनीय स्मारकों बेउन मंदिर, बाफून, टेरेस ऑफ द कॉपर किंग, प्रीहपीठ, प्रीह पार्ले और अन्य शामिल हैं। राजा जयवर्धन सेवेंथ का राजकीय मंदिर द बेउन अंगकोर थम के केंद्र में स्थित है। दोस्तों, अब हम अंगकोर थम परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले बेउन मंदिर देखेंगे। यह अंगकोर थम कंबोडिया के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर है। इसमें हम अंगकोर वाट परिसर के बेउन मंदिर के सामने खड़े हैं। ये 13वीं शताब्दी के शुरुआत में बनाया गया था। इसका ओरिजिनल नाम जयगिरी था। जयगिरी का मतलब होता है ब्रह्मा का स्वरूप। बाद में 1880 में एनमोर द्वारा इसका नाम बेउन मंदिर कर दिया गया। और ये देखिए, ये अंगकोर जो क्षेत्र है ये खमेर एम्पायर का 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक पूरा गणराज्य रहा है। 13वीं शताब्दी के शुरू में इसको बनाया गया था। ये प्योरली बुद्धिस्ट मंदिर है। अंगकोर वाट जहाँ हम गए थे वह हिंदू परिसर था। ये शुरू से ही बुद्धिस्ट मंदिर ही बनाया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2012 में इसको जो है पूरा इस अंगकोर वाट परिसर को स्मोक फ्री कर दिया था, धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित कर दिया था। दोस्तों, राजा जयवर्मन सप्तम दृढ़ता से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थे और अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप बेउन का निर्माण किया। बेउन अंगकार में निर्मित अंतिम मंदिर था। मूल रूप से बेउन को शाही पंथ के प्राथमिक ठिकाने के रूप में और जयवर्मन के व्यक्तिगत मकबरे के रूप में सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया था। बेउन की सबसे विशिष्ट विशेषता कई टावरों पर ब्रह्मा के निर्मल और मुस्कुराते हुए पत्थर के चेहरे हैं। खंडहर हो चुके मंदिर के चारों ओर लगभग 50 मीनारे हैं जिनमें 200 से अधिक चेहरे कटाव और घिसाव की अलग अलग कहानी कहते हैं। बेउन को बौद्ध मंदिर के रूप में बनाया गया था। मुख्य मंदिर के नीचे एक गड्ढे में मुख्य मूर्ति के रूप में सांप मुकालिंडा के फन के नीचे आश्रम में बैठी हुई बुद्ध की छवि पाई गई थी। राजा जयवर्मन सप्तम की मृत्यु के कुछ दशकों बाद मंदिर को एक हिंदू मंदिर में बदल दिया गया था जब राजा जयवर्मन 8वें ने आधिकारिक खमेर धर्म को वापस हिंदू धर्म में कर दिया था। बुद्ध की छवियों को नष्ट कर दिया गया या हिंदू छवियों में बदल दिया गया था। ज़्यादा नहीं खूबसूरत बन गया ये हैं? ओके। बिल्कुल ब्रह्मा की तरह लग रहा है। देखो ब्रह्मा जी की तरह नहीं लग रहा है? 4 पैसे दें हैं? मेरी प्यारी बिल्ली मिल गई, प्यारी प्यारी बुद्ध जी के चरणों में बैठी है। वेयर टू बी दिस साइड एंड दिस साइड। ओ हो, लॉर्ड शिवा, जय भोलेनाथ की, जय बाबा भोलेनाथ की।
बड़ा कठिन है जगर पनघट की। वाह मेरी ब्रह्मा जी, आप यहाँ भी विराजमान हो गए, बहुत बढ़िया। बाइन टेम्पल में, बुद्धिस्ट टेम्पल में ब्रह्मा जी। हालांकि बेउन एक बौद्ध मंदिर था, परंतु यहाँ पर अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती थी, जिनमें कई मंदिर विष्णु भगवान और शिव जी को समर्पित थे। बेउन अपने टावरों पर बड़ी संख्या में तराशे गए शांत चेहरों के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में उन चेहरों को ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता था, जो सृष्टि के हिंदू देवता थे, जिन्हें चार सिरों के साथ चित्रित किया गया था। जब बाद में यह स्थापित हो गया कि बेउन एक हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक बौद्ध मंदिर था, तो पुरातत्वविदों का मानना था कि ये चेहरे करुणा के बोधिसत्व लोकेश्वर के हैं। तो देखेंगे आज, बाकी कल। दोस्तों अब हम फिमी नाकास मंदिर या शाही महल जा रहे हैं, जो अभी पूरी तरह से पर्यटकों के लिए नहीं खुला है, क्योंकि अभी इसके पुनरुद्धार का कार्य शुरू होने वाला है। अंगकोर स्मारकों के संरक्षण विभाग के निदेशक ने कहा है कि शाही महल प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है, जिसे संरक्षित और बहाल करने की आवश्यकता है। इस परियोजना में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम द्वार और दीवार के बाड़ों के साथ केंद्रीय फिमी नाकास मंदिर के अंदर की संरचनाएं और ईंट और पत्थर की बहाली भी शामिल होगी। वैसे परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि चीन पहले ही देने के लिए राजी हो गया है, परंतु अंतिम धनराशि कितनी होगी इसका निर्धारण अभी नहीं किया गया है। जैसे ही परियोजना का काम शुरू होगा, चीन अपना शेयर रिलीज करना शुरू कर देगा। इसमें हम टाफरूम अंकोर वाट के टाफरूम टेम्पल के पास खड़े हैं। ये ब्रह्मा जी के पूर्वजों के नाम से बनाया गया है और पुराने ज़माने में इसको राजविहार के नाम से जाना जाता था। 92 में इसको यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित किया गया और वर्तमान में इस परिसर का रख रखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो जॉइंटली दोनों के द्वारा किया जा रहा है। अंगकोर वार्ड परिसर के चौथे मंदिर या चौथा स्थल टाफ रूम हम लोग जा रहे हैं, या ब्रह्मा जी के पूर्वजों को समर्पित छाया परिसर जैसा बताया गाइड ने। तो हमने कहा ये देखना तो बहुत ज़रूरी है, हमारे ख्याल से इंडिया में भी कोई ब्रह्मा जी के पूर्वजों के नाम से इस परिसर में प्रवेश करते ही ये जो धुन सुनाई दी, ज़्यादातर इसमें अपंग लोग बैठे हुए हैं, वो देख के अपने आप भक्ति के भाव मन में उमड़ आता है। यह वृक्ष देखिए, ये उसी जमाने का पेड़ है और ये आर पार है, ये देखिए गजब, इसमें होल है, होल है इसमें।
ये होल है और पत्नी जी मेरी उधर से आ गई। भाई वाह, ऐसा पेड़ तो पहली बार देखा हमने जिसमें होल हो। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि इसमें काई जमी हुई है। देखिए जरा, बिल्कुल एकदम। भाई यहाँ तो वाकई लग रहा है ब्रह्मा जी के पूर्वजों का परिसर है। एक से एक अजूबा दिख रहा है। ओफो, ये देखिए आप, ये जटाएं देखिए पेड़ का। भाई वाह, ऐसी जटाएं तो नहीं देखी। इसमें कहीं खोपड़ी के निशान बने हैं, कहीं मछली के, कहीं मगरमच्छ के। अरे वाह, ब्यूटीफुल ट्री, टॉप रूम, अंकोर वाट, श्याम रीप, व्हाट ए मिरेकुलस ट्री। ये पेड़ और देखिए दूसरा, ये जो है बिल्डिंग फोड़ के गया है, बिल्डिंग के ऊपर से गया है लग रहा है। अभी देखता हूँ अंदर जाके कैसा है। बिल्डिंग के ऊपर निकला है। Beautiful. Look at this tree. बहुत सुंदर। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इसकी धरती की मीनारें और दीवारें विशाल जड़ों के मांसपेशियों के आलिंगन में बंद हैं। निस्संदेह अंगकोर में सबसे अधिक वायुमंडलीय खंडहर या प्रोम प्रत्येक आगंतुक के लिए एक आकर्षण है। यदि अंगकोर वाट प्राचीन खमेरों की प्रतिभा का प्रमाण है तो ताप रोम हमें जंगल की भयानक उर्वरता और शक्ति को समान रूप से याद दिलाता है। यह अंगकोर क्षेत्र के कुछ मंदिरों में से एक है जहां शिलालेख मंदिर के आश्रितों और निवासियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ताप रोम मीनारों, बंद आंगनों और संकरे गलियारों का मंदिर है। कई गलियारें अगम हैं जो लंबे समय से सड़े हुए पेड़ों की जड़ों से उखड़े हुए नाजुक नक्काशीदार पत्थर के ढेर से भरे हुए हैं। कई गला घोटने वाली जड़ संरचनाओं में से सबसे लोकप्रिय केंद्रीय परिक्षेत्र के पूर्वी गोपुर के अंदर है, जिसे क्रोकोडाइल ट्री का उपनाम दिया गया है। टॉप रोम में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक तथाकथित टॉम्ब्रेडर ट्री है। शानदार। My goodness. पैथन पैथन की तरह लग रहा है पूरा। ब्यूटीफुल प्लेस यार। इसका नाम एंसेस्टर ऑफ ब्रह्मा जी क्यों पड़ा ये समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी को पेड़ लगता था। पाइथन के बाद ये तो भाई हर जगह रहस्यमयी लग रही है। उफ, ब्यूटीफुल यार, ये तो अंकोर वाट को भी फेल कर दे रहा है।
वाह, बारिश शुरू, बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। बरसात तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब सियाम रीफ में एक डेढ़ घंटे का हमारा टूर बचा था और पहली बार जो है छाता भी गाड़ी में छोड़ आए हैं। भयंकर बारिश, एकदम खास सन्नाटा, भूतहार जगह लग रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं। एक दो वो दिख रहे हैं, दो आदमी उस कोने में, और इधर कोई नहीं। ये सन्नाटा, भगवान शिव जी की जटाओं से पानी गिर रहा है, क्या दृश्य है देखिए। वाह, इधर भी हर जगह, और ओफ क्या कर सकते हैं, गोप्रो आजमाया जाए क्या। गोप्रो वाले दावा करते हैं कि गोप्रो पानी में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लो यहाँ तक फेंक दिया, आप देख लो, बना लो भाई गोप्रो जैसे बन सकता है, ये लो